हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहले हमने करा था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख के उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब 1 लिखा और बाकी सारी प्लेसेस पे हमने 0 लिख दिया, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट हमारा 5 डिजिट नंबर। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स से। प्राइम फैक्टराइजेशन का बस एक रूल है कि आपको डिवीजन हमेशा प्राइम नंबर्स से ही करना है। अब ये जैसे आपका 10 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 10 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10 और फिर ये सारे 0। ये अगेन 2 से हो सकता है, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, फिर अगेन ये फिर से 2 से हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, फिर ये लास्ट में 0 है तो हम 2 से कर सकते हैं। तो 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये किससे होगा, 5 है लास्ट में, ये सिर्फ 5 से ही होगा, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 125, फिर अगेन 125 है तो 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर अगेन 25 है तो किससे होगा, 5 से, 5 5 जा 25। अब ये सारे हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए हमारा 1 2 3 4 4 बार 2 है और 1 2 3 4 4 बार 5 आया है, तो हमारा ये क्या हो गया आंसर 2। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, जगह हो जाएगी, या यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 थोड़ा मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।